हेलो बच्चों, हाउ आर यू? तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे CNS के कई टॉपिक्स. गुड इवनिंग हेलो ओनली फॉर यू, बच्चों, हाउ वेरी आर नाइस नेम. सो आज हमारा फर्रे सीरीज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड वी विल डिस्कस थ्री वेरी हॉट टॉपिक्स विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क इन योर सेमेस्टर और थ्योरी एग्जाम्स. एक आता है मिथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग. ये हार्मफुल अल्कोहल्स होती हैं, अगर गलती से आदमी इनको ड्रिंक कर ले तो प्रॉब्लम हो जाती है. दूसरी होती है कि अल्कोहल जिसे हम पार्टी के लिए पीते हैं, इथेनॉल, तो उसका एडिक्शन होता है. वी विल टॉक अबाउट अल्कोहल डी एडिक्शन. एंड द थर्ड टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ओपियॉइड्स के रिसेप्टर्स, कौन कौन से ओपियॉइड ड्रग्स हैं, और एक नई क्लास ऑफ ड्रग्स दैट इज मिक्स्ड एक्टिंग ओपियॉइड्स. ठीक है बेटा, आज का ये एजेंडा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो लेट्स टॉक अबाउट मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग. अभी रिसेंटली बेटा, आप सबने कुछ 6 मंथ्स पहले की बात है, आप सबने सुना होगा कि इंडिया में गुड़गांव में एक कंपनी थी जो कफ सिरप्स बनाती थी, और उन कफ सिरप्स में गलती से हाई अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल था. वो कफ सिरप्स अफ्रीका में एक्सपोर्ट किए गए. छोटे बच्चों को खांसी होती है तो बहुत सारे बच्चों ने कफ सिरप पिया और उनकी डेथ हो गई. उसमें था क्या? इथाइलिन ग्लाइकॉल था. सिमिलरली मिथेनॉल भी एक ऐसी ही अल्कोहल है जो हार्मफुल होती है. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट दीस अल्कोहल्स. सो एनी अल्कोहल, रिमेंबर, एनी अल्कोहल इन अवर बॉडी, लिखेंगे पहला पॉइंट, इज मेटाबोलाइज्ड. मतलब हमारी बॉडी में डिग्रेड कैसे होती है अल्कोहल? बाय डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स. कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जो अल्कोहल को डिग्रेड करता है. और ये एंजाइम कहाँ होता है? मेनली लिवर में होता है. कहाँ होता है बेटा? लिवर में होता है. तो देखते हैं कि ये अल्कोहल्स हार्मफुल क्यों होती हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट टू अल्कोहल्स, टॉक्सिक अल्कोहल. पहली टॉक्सिक अल्कोहल है मिथेनॉल. मिथेनॉल का बेटा दूसरा नाम होता है वुड स्पिरिट. ओके, और इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम कई बार बोलते हैं एंटी फ्रीज, क्योंकि इसको पेट्रोल के इंजन्स में भी डाला जाता है ताकि इंजन्स फ्रीज ना कर जाए अगर ये कार्स बहुत ही कोल्ड कंट्रीज में रन करती हैं. तो हमारे लिवर में हम जानते हैं कौन सा एंजाइम होता है? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है. तो जैसे ही गलती से आदमी ने ये अल्कोहल पी ली, तो सबसे पहले हमारे लिवर में एक एंजाइम है जिसका नाम है, जो इन अल्कोहल्स पे काम करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम. अब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जब हम अल्कोहल्स में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो बेटा क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड्स. तो हाइड्रोजन रिमूव करोगे अल्कोहल में से तो एल्डिहाइड बन जाएगा. तो मिथेनॉल से बेटा बनता है फॉर्मल डिहाइड. मिथेनॉल से क्या बनता है? फॉर्मल डिहाइड. और इथाइलिन ग्लाइकॉल से क्या बनेगा? लिखेंगे ग्लाइकॉल एल्डिहाइड. तो अब एल्डिहाइड्स बन गए. नाउ हमारे लिवर में अब एक और एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करेगा? इस एंजाइम का हमने क्या नाम डाल दिया? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम. और अब जस्ट इमेजिन करिए बेटा, अगर हम एल्डिहाइड्स में से भी हाइड्रोजन को निकाल दें तो क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, है ना? तो फॉर्मल्डिहाइड से कौन सा एसिड बनना चाहिए? फॉर्मल्डिहाइड से बेटा बनेगा फॉर्मिक एसिड, और ग्लाइकॉल एल्डिहाइड से बनेगा ग्लाइकॉलिक एसिड. और ग्लाइकॉलिक एसिड का एक आइसोमर ऑक्सैलिक एसिड. तो ये दो एसिड्स बनते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल से. अब प्रॉब्लम ये है, जब ये एसिड्स बनते हैं हमारी बॉडी में थ्रू द कंजम्पशन ऑफ दीस एल्कोहल्स, दीस एसिड्स आर हाईली टॉक्सिक. ये बहुत ही डेंजरस होते हैं.
दीज एसिड्स आर हाईली टॉक्सिक, इसीलिए एल्कोहल काफी हार्मफुल होती है। तो देखते हैं इन एसिड से क्या प्रॉब्लम आती है। फॉर्मिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक ऑक्सैलिक एसिड, दे बोथ आर हाईली न्यूरोटॉक्सिक, दे आर हाईली न्यूरोटॉक्सिक। ये न्यूरॉन को डैमेज करते हैं और न्यूरॉन्स में क्या होगा, सबसे पहला रेटिना को इफेक्ट करेंगे। रेटिना डैमेज होने की वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस, रेटिना डैमेज होने की वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस। और ब्रेन में पी से और क्या होगा, लिखेंगे पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अब लाइफ लॉन्ग आदमी को पार्किंसन हो जाएगा, है ना। सो अब सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि सर अगर मिथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के कंजम्पशन से सेम फीचर आ रहे हैं, दे बोथ आर न्यूरोटॉक्सिक, तो हम इन दोनों एल्कोहल को डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि एक आदमी ने मिथेनॉल पिया है या इथाइलिन ग्लाइकॉल पिया है। तो एक बात बेटा हमें याद रखनी है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है और ये ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, यूरिन में निकलेगा। सो इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग का क्लासिकल फीचर होगा देर विल बी ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स इन यूरिन, यूरिन में ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स भी मिलेंगे। सो गुड इवनिंग हैप्पी पर्सन। एंड अगर हमें याद करें फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स की क्या शेप होती है यूरिन में, ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स की क्या शेप होती है, ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स आर एनवलप्ड शेप्ड क्रिस्टल्स। सो दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर। नाउ बिफोर कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ देयर पॉइजनिंग, हम एक पॉइंट समझते हैं। सर हमारे पास एक ड्रग है जो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करता है। द ड्रग दैट इनहिबिट एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इज फोमीपिजोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, फोमीपिजोल। और क्या हमारे पास कोई ड्रग है जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करता है? यस, वी हैव अ ड्रग नोन एज डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम किसको इनहिबिट करता है, एल्डिहाइड। अब ये बात हम कैसे याद रखें, देखिए बेटा एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस में ओवर्ड आ रहा है, फोमीपिजोल में भी ओवर्ड आ रहा है, एल्डिहाइड में डी वर्ड आ रहा है, ओ नहीं आ रहा। तो एल्डिहाइड में भी डी वर्ड आता है, डाइसल्फिराम में भी डी वर्ड आता है। तो एल्कोहल वाले को इनहिबिट करता है फोमीपिजोल, एल्डिहाइड वाले को इनहिबिट करता है डाइसल्फिराम। तो हमें थ्योरी में ऐसे ही सुंदर सुंदर डायग्राम बना के आने हैं और टू द पॉइंट बात लिखनी है। अब बात आती है मिथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल, ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग, हम एक न्यूमोनिक याद रखेंगे, हम एक न्यूमोनिक याद रखेंगे। न्यूमोनिक आपके सामने है, न्यूमोनिक है शेफ, एस एच ए एफ ई। सबसे पहले एस से लिखेंगे, हम पेशेंट को देते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। कैन यू टेल मी अगर ये फॉर्मिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड बनेगा तो ब्लड के पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हम कह सकते हैं ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाएगा? और ब्लड जब एसिडिक होता है बड़ी डेंजरस बात होती है, ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई एनायन गैप, एनायन गैप बढ़ जाएगा ना एसिड्स हैं तो, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के एल्कलोसिस, एसिडोसिस। तो पेशेंट को क्या होता है फ्यूचर में, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्ब देंगे। सेकेंड थिंग इज हीमोडायलिसिस,
अब हीमोडायलिसिस अगर अवेलेबल है देन इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट. सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या होता है इन अल्कोहल्स का? बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज हीमोडायलिसिस. पर हर जगह हीमोडायलिसिस तो होता नहीं है अवेलेबल इजिली. तो अब सवाल आता है व्हाट इज द एंटीडोट. तो इन दोनों पॉइजनिंग की एंटीडोट होती है फोमीपिजोल. इन दोनों पॉइजनिंग की एंटीडोट क्या है बेटा? फोमीपिजोल. और कौन बच्चा मुझे बताएगा फोमीपिजोल क्या था? फोमीपिजोल इनहिबिट्स अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, जिसकी वजह से ये हार्मफुल एसिड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे हमारी बॉडी में. नाउ द पॉइंट विथ फोमीपिजोल इज, सर फोमीपिजोल एक ऑर्फन ड्रग है. ऑर्फन ड्रग्स होते हैं जो बड़ी रेयर इंडिकेशंस के लिए बनाए जाते हैं. तो ये जो अल्कोहल्स की पॉइजनिंग है ये बड़ी रेयर होती है. तो आपको क्या लगता है ये जो फोमीपिजोल है क्या हमारे हॉस्पिटल्स में इजीली अवेलेबल होता होगा? क्या हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते होंगे इस पॉइजनिंग के? द आंसर इज नो. सो दिस फोमीपिजोल एक्चुअली इट इज नॉट अवेलेबल इजीली. ये इजीली अवेलेबल नहीं होता. इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम मैं आपको बताऊंगा मेन ट्रीटमेंट होगा ई. बट बिफोर दैट लिखेंगे फोलिनिक एसिड देते हैं हम पेशेंट को. फोलिनिक एसिड हेल्प करता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने में. न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है फोलिनिक एसिड. बट लास्टली हमारा मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को क्या देना? इथेनॉल देना. पेशेंट को क्या देना? इथेनॉल देना. तो इथेनॉल बेटा हम क्यों देते हैं? इथेनॉल मतलब दारू. तो दिस इज एन इंडिकेशन वेयर यू कैन इजिली ड्रिंक विद योर पेशेंट. आप अपने पेशेंट के साथ दारू पी सकते हो. लो आप पेशेंट को पैक बना के दोगे बेटा पियो, हम पिला रहे हैं, आपके डॉक्टर आपको दारू पिला रहे हैं. व्हाई वी गिव इथेनॉल? ओरली, ओरली देते हैं बहुत ही हाई डोज में, बट आप आईवी भी दे सकते हो. व्हाई वी गिव इथेनॉल? टू सैचुरेट विच एंजाइम? टू सैचुरेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम. तो अगर डीहाइड्रोजनेस एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे तो ये हार्मफुल एसिड्स नहीं बनेंगे. तो ये हार्मफुल एसिड्स बेटा नहीं बनेंगे, हम इसलिए देते हैं इथेनॉल. मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है इथेनॉल. ओके, मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? इथेनॉल. तो ये हमारा हो गया बेटा पहला सवाल, हाउ टू ट्रीट दिस मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बात करते हैं इथेनॉल की. तो इथेनॉल अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है अल्कोहल. हम इथेनॉल को ही एज अ कॉमन टर्म में अल्कोहल बोलते हैं. तो ये हम पीते हैं पार्टी वार्टी के लिए, है ना, पार्टी वार्टी के लिए पिया जाता है. और इसका एडिक्शन बड़ा कॉमन है. तो इथेनॉल एडिक्शन इज कॉमन. अब सवाल जो आपसे पूछा जाता है थ्योरी एग्जाम में कि अल्कोहल या इथेनॉल वाले बंदे को जो कंटिन्यूसली एक क्रॉनिक ड्रिंकर है उसको दारू की आदत, अल्कोहल या इथेनॉल की आदत कैसे छुड़वाएं? तो बेटा एक बात हम सब जानते हैं कि अल्कोहल या किसी भी ड्रग से जब एडिक्शन होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है. तो जब तक आदमी की जेब में पैसे होते हैं उसे दारू मिल रही है वो बड़ा खुश होता है, उसे प्लेजर आता रहता है. बट एक क्रॉनिक अल्कोहलिक्स को जब पैसे नहीं मिलते या दारू नहीं मिलती जिससे वो दारू नहीं बाय कर सकता तो बॉडी चली जाती है विड्रॉवल में. एग्री? ना तो हम चाहते हैं पेशेंट को प्लेजर आए, प्लेजर आएगा तो वो पीता रहेगा. ना ही हम चाहते हैं पेशेंट विड्रॉवल में जाए, क्योंकि विड्रॉवल सिम्टम्स जो होते हैं बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं इनकी. द विड्रॉवल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल इज एन एमरजेंसी, हेयर द पेशेंट मे डाई ऑल्सो. तो हमें क्या करना है? विड्रॉवल में भी नहीं जाने देना, प्लेजर में भी नहीं जाने देना. तो लेट्स से कि एक पेशेंट आया आपके पास एमरजेंसी में विद एल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स, हाउ टू ट्रीट इट. तो लेट्स टॉक अबाउट हम एक ऐसा बनाएंगे
टू ट्रीट एक्यूट विड्रॉवल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल। तो पहला एक्यूट विड्रॉवल सिम्टम है एल्कोहल से डिलीरियम ट्रेमेंस। पहला क्या है बेटा? डिलीरियम ट्रेमेंस। डिलीरियम का मतलब होता है कंफ्यूशनल स्टेट। ट्रेमेंस मीन्स पेशेंट इज हाइपर एक्साइटेबल, बहुत वायलेंट एक्साइटेबल, रेस्टलेस होता है, बीपी शूट कर जाता है आदमी का, एमआई तक हो सकता है और आदमी की डेथ हो सकती है। तो डिलीरियम ट्रेमेंस में हमें क्या करना है? आदमी को दोबारा शांत कर देना है। एल्कोहल आप जानते हो सेडेटिव है, नींद आती है, तो हम एल्कोहल जैसा ही एक सेडेटिव ड्रग देते हैं, दैट इज बेंजोडाइजेपिन फॉर डिलीरियम ट्रेमेंस। द ड्रग ऑफ चॉइस इज आईवी डाइजीपाम। डाइजीपाम क्या है बेटा? डाइजीपाम क्या है? एक बेंजोडाइजेपिन है। क्या है डाइजीपाम? बेंजोडाइजेपिन, जो एक सेडेटिव होता है। बट यहां पे एक बात का कैच हमें याद रखना है। हम जानते हैं दारू पीने से लिवर खराब होता है ना? अल्कोहल डैमेजेस लिवर। अब अगर इस पेशेंट को लिवर डिजीज है, डाइजीपाम इज नॉट सेफ इन लिवर डिजीज पेशेंट। डाइजीपाम का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेशेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर एक पेशेंट को लिवर डिजीज है तो हम ऐसे बेंजोडाइजेपिन देते हैं जो लिवर डिजीज या लिवर फेलियर में सेफ होते हैं। सो विच बेंजोडाइजेपिन इज सेफ इन लिवर डिजीज? एल से लिवर, एल से लोराजीपाम, या फिर एक और ड्रग आप दे सकते हैं ऑक्साजीपाम। आजकल हम प्रेफर करते हैं लोराजीपाम, इसका बड़ा फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। एग्री? सेकेंड, आप जानते हैं कि अल्कोहल पीने से जो बंदा क्रॉनिकली अल्कोहल पीता है उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेशली विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। थायमिन की डेफिशिएंसी से हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को होता है वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। वर्निक्स एनकेफेलोपैथी में क्या होता है? पेशेंट को साइकोसिस होते हैं, हेल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। तो इस साइकोसिस या हेल्यूसिनेशंस को हमने नाम दे दिया कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो टू ट्रीट कोर्साकॉफ साइकोसिस वी गिव एंटीसाइकोटिक्स। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा हमें कौन सा विटामिन ऐड करना है साथ में? We have to give injections of thiamine. Okay, at least 3 to 5 days तक तो हम injection देते रहते हैं, बाद में patient को oral पे डाल देते हैं। तो अब आपने patient को क्या किया? Emergency से बाहर निकाल दिया, है ना? इसी diagram पे आते हैं। आपने patient को इमरजेंसी से बाहर निकाल दिया, डिलीरियम ट्रेमेंस कोर्साकॉफ साइकोसिस। अब आप पेशेंट को घर तो भेजेंगे नहीं, अगर आप घर भेजेंगे अगले दिन या तो वो दारू पीना शुरू कर देगा प्लेजर में, या फिर वो दोबारा अगले दिन आपके पास विड्रॉवल से दोबारा आ जाएगा। तो बेटा हमें करना क्या है? ऐसे पेशेंट में ना तो प्लेजर आने देना है ना ही उसे विड्रॉवल में जाने देना है। हमें इस प्लेजर और विड्रॉवल की साइकिल को ब्रेक करना है तो हम अल्कोहल जैसा ही एक सेडेटिव ड्रग देंगे जो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा, इतना ज्यादा नहीं, लेट्स से हाफ इफेक्टिव होगा, और इस ड्रग को हम कंटिन्यूसली देते रहेंगे और बहुत ही धीरे 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 करके इसे टेपर कर देंगे, है ना? इसे धीरे धीरे करके टेपर कर देंगे। तो इस सेकेंड फेज को हम बेटा बोलते हैं मेंटेनेंस फेस, ताकि पेशेंट दोबारा विड्रॉवल से ना आ जाए। सो द सेकेंड फेस इज नोन एज मेंटेनेंस फेस, ताकि पेशेंट दोबारा विड्रॉवल से ना आ जाए, टू प्रिवेंट विड्रॉवल, और पेशेंट दोबारा पीना शुरू ना कर दे, तो इसीलिए इसका नाम डाल दिया डिटॉक्सिफिकेशन फेस। तो डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स आदमी दोबारा पिए ना और दोबारा आदमी विड्रॉवल में ना जाए, मेंटेनेंस फेस। तो यहां पे हम देते हैं ओरल ड्रग, लॉन्ग टर्म ओरल क्लोरडाइजेपॉक्साइड।
क्लोरडाइजिपॉक्साइड क्या है बेटा? ये भी एक बेंजोडाइजपीन है। क्लोरडाइजिपॉक्साइड भी क्या है? एक बेंजोडाइजपीन है, बड़ा लॉन्ग एक्टिंग है। धीरे धीरे इसे क्या करेंगे? टेपर करेंगे, इसे टेपर करेंगे स्लोली। तो बेटा ये मुझे बताइए, टेपर तो आपने कर दिया स्लोली स्लोली, बट ये मुझे बताइए इसे सडनली क्यों नहीं टेपर करना, सडनली बंद क्यों नहीं करना? सडनली बंद करोगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना, पेशेंट विड्रॉवल में चला जाएगा। धीरे धीरे करके टेपर करना है। बट अगेन माई सेम क्वेश्चन, इफ द पेशेंट इज हैविंग लिवर डिजीज, विच ड्रग्स यू विल गिव? लोराजीपाम या फिर ऑक्साजीपाम? तो अगर पेशेंट को लिवर डिजीज है तो आप दोबारा क्लोरडाइजीपॉक्साइड नहीं देंगे, क्या देंगे बेटा? तब हम क्या देंगे पेशेंट को? सेम लोराजीपाम या ऑक्साजीपाम। अब क्या करें सर? अब तो पेशेंट धीरे धीरे नशा मुक्त हो गया, पेशेंट इज नाउ टोटली डी एडिक्टेड। नाउ आफ्टर यू हैव टेपर्ड इट ऑफ, द पेशेंट इज नाउ टोटली डी एडिक्टेड। बट डोंट यू थिंक, जस्ट इमेजिन, इस पेशेंट, ये जो पेशेंट था, ही वेंट टू अ पार्टी, ये अपने दोस्त की पार्टी में गया और इसके सारे दोस्त दारू पी रहे हैं। ऑल द फ्रेंड्स ऑफ दिस पर्सन वर कंज्यूमिंग एल्कोहल। डोंट यू थिंक दिस पर्सन में स्टार्ट ड्रिंकिंग अगैन? ये आदमी दोबारा पीना शुरू कर सकता है, बड़ी मुश्किल से छुड़वाई है दवाई दे दे के। तो अब जब हमने इसको टेपर कर दिया, हमारी थर्ड फेज होती है, विड्रॉवल को ठीक कर दिया, टेपर कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया, थर्ड ट्रीटमेंट हम करेंगे कि आदमी दोबारा दारू पीना शुरू ना करे। सो द थर्ड फेज इज वी डोंट वॉन्ट द पेशेंट टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अगैन। सो दिस थर्ड फेज इज नोन एज एब्स्टिनेंस फेज। सो एब्स्टिनेंस फेज मीन्स द पर्सन शुड नॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग अगैन। शुड नॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग अगैन मीन्स अ पेशेंट शुड नॉट हैव रिलैप्स। रिलैप्स मतलब दोबारा ये प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। एग्री? सो टू प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ एल्कोहल और इथेनॉल वी हैव टू अप्रोचेस। हम क्या करें कि आदमी दोबारा पीना शुरू ना करे? फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग व्हाट वी गिव इज एंटी क्रेविंग ड्रग। इफ वी गिव एंटी क्रेविंग ड्रग, पर्सन विल नॉट लव टू ट्रेक एल्कोहल। उसको क्रेविंग ही नहीं होगी तो दारू ही नहीं पिएगा, कहेगा यार मजा ही नहीं आएगा मुझे, है ना। सो अमंग एंटी क्रेविंग ड्रग वी गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेल्ट्रिक्सोन विथ ए कैंप्रोसेट। ये दो ड्रग अप्रूव्ड है एज एन एंटी क्रेविंग, जो एल्कोहल की क्रेविंग को कम करते हैं। व्हाट इज नेल्ट्रिक्सोन? नेल्ट्रिक्सोन ओपियोइड के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ओपियोइड एंटागनिस्ट। एल्कोहल ओपियोइड के रिसेप्टर पे भी काम करती है जिससे एडिक्शन होती है। एक कैंप्रोसेट ग्लूटामेट के एनएमडीए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। एल्कोहल ग्लूटामेट पे भी काम करती है जिससे एडिक्शन होता है। तो नेल्ट्रिक्सोन इज एन ओपियोइड एंटागनिस्ट, एक कैंप्रोसेट इज एन एनएमडीए एंटागनिस्ट। ओनली दीज टू ड्रग्स आर अप्रूव्ड। तो ये दो ड्रग अप्रूव्ड है, पर सवाल आता है क्या कोई और ऐसा ड्रग है जो एंटी क्रेविंग है? यस सर, और भी ड्रग्स एंटी क्रेविंग है पर वो अप्रूव्ड नहीं है। इफ अ ड्रग इज नॉट अप्रूव्ड, अभी अगर एक ड्रग अप्रूव्ड नहीं है पर वो बेनिफिशियल इफेक्ट शो करता है, तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं ऑफ लेबल। ऑफ लेबल मतलब ये ड्रग एंटी क्रेविंग है पर अभी अप्रूव नहीं हुए। सो विच ड्रग इज एंटी क्रेविंग ऑफ लेबल ड्रग? एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग टोपिरामेट। क्या और कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है? गाबापेंटिन। गाबापेंटिन तो ये दो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं जो ऑफ लेबल यूज किए जाते हैं पर ये अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है। नाउ द सेकेंड अप्रोच व्हाट वी कैन डू इज डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है फियर क्रिएट करना। फियर मतलब हम आदमी को कहेंगे साहब आप ये ड्रग ले रहे हो, अब अगर आपने अल्कोहल पी तो बड़ी डेंजरस है,
आपकी डेथ तक हो सकती है। इसीलिए अब आप अल्कोहल से दूर रहना। डेटरेंट मींस टू क्रिएट फियर, डेटरेंट मींस टू क्रिएट फियर, एंड देयर इज अ ड्रग व्हिच इज एन डेटरेंट दैट इज डी से ही डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम का बड़ा एक कॉमन नाम है, ये एक ब्रांड नेम से आती है, एंटाब्यूस। नाम भी समझ आ रहा है? तो पहले बताइए डाइसल्फिराम कहां यूज किया जाता है? अल्कोहल में टू प्रिवेंट रिलैप्स डाइसल्फिराम इज यूज्ड एज अ डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब डराना कि अब आप दारू पियोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डाइसल्फिराम कैसे काम करता है वी विल डिस्कस शॉर्टली, ओके। बट बिफोर दैट इज देर एनी अदर ड्रग विच इज ऑफ लेबल यूज्ड एज अ डेटरेंट? यस, वन एंटीबायोटिक। कौन सा बच्चा बताएगा कौन सी एंटीबायोटिक एम से स्टार्ट होती है? एम से मेट्रो वर्ड भी आता है उसमें, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। तो आई होप आप सब बच्चों को ये बात समझ आ गया। एक टेबल में हमने सब लिख दिया कि अल्कोहल को डी एडिक्ट कैसे करवाना है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस डाइसल्फिराम, हाउ डज इट एक्ट। इस पे एक अलग से भी सवाल आता है, डाइसल्फिराम। तो डाइसल्फिराम ऑल्सो नोन एज एंटाब्यूस, इट इनहिबिट्स विच एंजाइम? कौन सा बच्चा बताएगा कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था डाइसल्फिराम लिवर में? डाइसल्फिराम वॉज इनहिबिटिंग एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ओके। यस, डॉक्टर शैज इज एब्सोल्युटली राइट। यस पलीवाल जी, नाउ वी विल बी इंक्रीजिंग आवर फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस, ओके। तो अब आप मुझे बताइए, अगर एक आदमी नॉर्मली इथेनॉल पीता है, अगर एक आदमी नॉर्मली इथेनॉल पीता है तो इथेनॉल सबसे पहले लिवर में जाएगा, और लिवर में सबसे पहला कौन सा एंजाइम हमने पढ़ा? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, जो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाइल्डिहाइड। हाँ ठीक है, और फिर कौन सा एंजाइम काम करेगा? यस, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, जो इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नाउ डाइसल्फिराम इनहिबिट्स एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, इस एंजाइम को डाइसल्फिराम ने इनहिबिट कर दिया, तो बॉडी में क्या एक्यूमुलेट हो गया? बॉडी में एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि डाइसल्फिराम ने एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को किया। नाउ दिस एसिटाल्डिहाइड इज वेरी हार्मफुल। डाइसल्फिराम एक्चुअली इट इज अ इररिवर्सिबल इनहिबिटर। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है, इट इज एन इररिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। और इररिवर्सिबल के केस में बेटा आपने बात याद रखनी है, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनकॉम्पिटेटिव, जनरली अनकॉम्पिटेटिव होता है, अनकॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ठीक है बेटा? डॉक्टर शैच फाइन, इररिवर्सिबल अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिशन ही खत्म, ठीक है। अब डाइसल्फिराम के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट्स। डाइसल्फिराम के साथ अगर एक आदमी ने गलती से इथेनॉल पी ली, अगर एक आदमी ने इथेनॉल कंज्यूम कर ली, और आदमी डाइसल्फिराम है, एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट, एसिटाल्डिहाइड इज वेरी टॉक्सिक, जिससे हार्मफुल सिम्टम आएंगे। क्या क्या आएंगे? लेट्स ट्राई। सबसे पहले नौजिया वॉमिटिंग, नॉर्मली दारू पीते ही नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, मन करेगा फिर पीने का आपका दारू? नहीं करेगा ना, है ना? पेन होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन,
और एब्डोमिनल पेन, फेस पे फ्लशिंग, और जैसे हैंगओवर में होता है हेडेक, वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. तो डोंट यू थिंक बड़े अनकंफर्टेबल से सिम्टम है, आदमी को मजा नहीं आएगा. बट समटाइम्स पेशेंट कैन हैव हाइपोटेंशन, बीपी कम हो सकता है, क्योंकि डाइसल्फिराम इनहिबिट्स रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, जिनसे बीपी बढ़ता है. एंड पेशेंट कैन हैव डेथ ऑल्सो, डेथ भी हो सकती है. तो डाइसल्फिराम इज अ डेंजरस ड्रग. तो मेरा आप बच्चों से एक सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बताओ बेटा लो, आप डाइसल्फिराम किन लोगों में दोगे, जो दारू पी रहे हैं या दारू पीना छोड़ चुके हैं? किसमें दिया जाता है डाइसल्फिराम? मेंटेनेंस फेस में दिया जाता है टू प्रिवेंट रिलैप्स, ऑप्शन ए. इट इज गिवन ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेस. ऑप्शन बी, इट इज गिवन टू प्रिवेंट रिलैप्स, ताकि आदमी दोबारा पीना शुरू ना करे. सो रिमेंबर, जो आदमी पीना छोड़ चुका है उसमें हम डाइसल्फिराम स्टार्ट करते हैं. तो मेरा आप बच्चों से एक सवाल, वुड यू गिव डाइसल्फिराम इन एक्टिव ड्रिंकर्स, जो लोग दारू पी रहे हैं आजकल, उनमें डाइसल्फिराम दोगे? दोगे डाइसल्फिराम इन एक्टिव ड्रिंकर्स? डाइसल्फिराम इज एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्टिव ड्रिंकर्स, जो लोग दारू पी रहे हैं उनमें गलती से भी हमें डाइसल्फिराम नहीं देना. यस डॉक्टर शहज, एब्सोल्यूटली राइट, शाबाश. ठीक है, तो डाइसल्फिराम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्टिव ड्रिंकर. नाउ द पॉइंट इज बेटा, देर आर सर्टेन ड्रग्स, कई और ड्रग्स भी ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करते हैं, एंड दोज ड्रग्स कैन वी से दे शो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. तो कई ड्रग्स होते हैं जो डाइसल्फिराम की तरह ही होते हैं, दे इनहिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस. सो ड्रग्स विच शो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्टिव ड्रिंकर्स. तो जो ड्रग डाइसल्फिराम की तरह रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्टिव ड्रिंकर्स. तो कैसे याद करें निमोनिक? निमोनिक याद करेंगे साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी है ना, साइक्लिक एएमपी होता है ऐसे ही, साइक्लिक जीएमपी. सी से क्लोरप्रोपामाइड. बेटा क्लोरप्रोपामाइड डायबिटीज मेलाइटस में यूज होने वाला एक ड्रग है, इंसुलिन रिलीज कराता है. सिफेलोस्पोरिंस एंटीबायोटिक. ग्रिसियोफल्विन एंटीफंगल ड्रग, फल्विन वर्ड आ रहा है. मेट्रोनिडाजोल अभी हमने लिखा. प्रोकार्बाजीन एक कैंसर वाला ड्रग है, सी ए वर्ड आ रहा है ना इसमें, ये कैंसर एंटी कैंसर ड्रग है. अब आपने बेटा पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन सी सिफेलोस्पोरिंस डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करती है, तो आपने एक ड्रग तो हमेशा याद रखना है और वही पूछा जाता है आपसे, दैट इज सीफोपराजोन. कौन सा? सीफोपराजोन. सीफोपराजोन में बेटा हमें कैसे याद रखें, एक तो पीई वर्ड याद रखो, सीफोपराजोन पीने नहीं देता. सीफोपराजोन पीने नहीं देता, या आदमी जब अलग ही जोन में होता है, आदमी जब अलग ही जोन में होता है दारू पीते पीकर, तो उसे सीफोपराजोन नहीं देना. तो हमें सीफोपराजोन नहीं देना. इसके अलावा भी बहुत है, बट हमें याद कौन सा करना है, सिर्फ और सिर्फ सीफोपराजोन. क्योंकि बेटा सीफोपराजोन में एक रिंग होता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, एक बार रेयर एमसीक्यू भी आया हुआ है, इसमें एक रिंग होता है मिथाइल थायो टेट्राजोल रिंग. मिथाइल थायो टेट्राजोल रिंग, आपने शॉर्ट फॉर्म याद करनी है एमटीटी. एमटीटी याद रखना, नाम तो आप पहचान लोगे. इसके अलावा और भी सिफेलोस्पोरिंस है, नहीं याद रहेगा चलेगा, सीफोपराजोन याद रखना है. बट दूसरी सिफेलोस्पोरिंस हम लिख लेते हैं, सिफोक्सिटिन, सिफोटिटान, सिफामेंटोल. ये नहीं याद रहेंगी लास्ट की तीन, चलेगा. कौन सी याद रखनी है? सीफोपराजोन, ये वर्ड नहीं भूलना आपने. ठीक है, ओके.
बेटा अजीत जी बताया था मैंने आपको एक रील में कैसे याद करनी होती है सारी से सेफेलोस्पोरिन, एक बार सर्च करिएगा। कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बना के आपके लिए दोबारा वही या तो पुरानी वाली ही दोबारा पोस्ट कर देंगे या फिर एक नई वीडियो और बना देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ है कि सेफेलोस्पोरिन के नाम कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, याद नहीं करने, आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, ट्रिक्स हैं उसकी। सो दिस इज अबाउट एल्कोहल, लेट्स टॉक अबाउट अवर थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल था हमारा ओपियोइड के रिसेप्टर्स के बारे में और एक नई क्लास ऑफ ड्रग मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड। तो पहले बात करते हैं ओपियोइड्स। सो ओपियोइड्स, व्हाट आर ओपियोइड्स? ओपियोइड्स आर रेजिनस एक्सट्रैक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट, सॉरी रेजिनस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओपियम। ओपियम हम किससे ऑब्टेन करते हैं? एक प्लांट से, पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का दूसरा नाम पेपेबर सोमनीफेरम, हिंदी में हमारे देशों में अलग अलग एरियाज में इसको अलग अलग कॉमन नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ओपियम से, नाउ हम बात करेंगे ओपियोइड के रिसेप्टर्स की। तो ये हमने पॉपी प्लांट भी बनाया हुआ, ओके। तो हमारी बॉडी में देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स, एक्चुअली एक फोर्थ रिसेप्टर और भी है वो हम लिख लेंगे पर उसकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली थ्री ओपियोइड रिसेप्टर एंड दीज थ्री ओपियोइड रिसेप्टर्स आर GPCR, GPCR means जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, और इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं एंड दीज थ्री ओपियोइड रिसेप्टर्स आर, देखेंगे तीन ओपियोइड कौन से रिसेप्टर है। पहला रिसेप्टर है म्यू, सिंबल बना देते हैं ऐसा, कप्पा एंड डेल्टा, म्यू कप्पा डेल्टा। एक फोर्थ रिसेप्टर अभी रिसेंटली पता लगा है कुछ 7-8 साल पहले, ऑर्फनिन FQ, बट इसकी बेटा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑर्फनिन FQ एक फोर्थ रिसेप्टर है, हमें किस पे फोकस करना है? म्यू कप्पा डेल्टा। अब एक सवाल, क्या हमारी बॉडी में एंडोजेनस ओपियोइड बनते हैं? क्या हमारी बॉडी के अंदर ओपियोइड बनते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बनते हैं। और ये जो ओपियोइड बनते हैं वो इन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो जो एंडोजेनस ओपियोइड हमारी बॉडी में बनता है और म्यू रिसेप्टर पे काम करता है उसका नाम है एंडोमॉर्फिन, एंडोमॉर्फिन। कप्पा पे कौन सा काम करता है? डायनॉर्फिन। एंड लास्टली डेल्टा पे काम करता है एंकेफेलिन्स, एंकेफेलिन्स। अब मेरा आप बच्चों से एक सवाल, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। अगर मैं कहूं सर एक ड्रग है मॉर्फीन, एक ड्रग है मॉर्फीन, हम सब जानते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो MCQ है मॉर्फीन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? म्यू पे काम करता है, कप्पा पे काम करता है कि डेल्टा पे? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है, मॉर्फीन इज अ फुल एगोनिस्ट एट विच रिसेप्टर? म्यू, कप्पा और डेल्टा, व्हाट इज योर आंसर? आंसर देख के बताओ, आपके सामने आंसर है। मॉर्फीन इज अ फुल एगोनिस्ट, इसमें कुछ मॉर्फीन जैसा वर्ड आ रहा है बेटा, देखो एंडोमॉर्फिन, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मॉर्फीन। तो आंसर बिल्कुल सही बोला सत्यजीत जी ने, डॉक्टर शायस ने, म्यू रिसेप्टर, म्यू रिसेप्टर। तो बेटा इसीलिए जितने भी ओपियोइड में हम ड्रग पढ़ते हैं उनको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला, वो ड्रग जो मॉर्फीन जैसे हैं और म्यू रिसेप्टर पे काम करते हैं, एंड सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग इज जो म्यू कप्पा डेल्टा सब पे काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड। तो मतलब समझ आया, मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड, मिक्स्ड एक्टिंग का मतलब मिक्सचर ऑफ रिसेप्टर पे काम करते हैं।
तो ये बात अभी हम पढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पहले इन सब रिसेप्टर्स का काम क्या है. तो अगर म्यू रिसेप्टर हमारी बॉडी में स्टिमुलेट होता है तो म्यू रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या इफेक्ट आते हैं, बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं, उसको आपने याद रखना है. बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है सवाल. तो म्यू रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है सो द इफेक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इज, व्हाट इज द निमोनिक, सेक्रम नो गैप. सेक्रम नो गैप, एस से पहला वर्ड, सिडेशन. तो ओपियोइड से सिडेशन होती है. सेकंड, एनल्जीसिया. एनल्जीसिया मींस दे आर द मोस्ट पावरफुल पेन किलर्स. इससे पेन काफी कम होता है और यही इनका मेन काम होता है, पेन किलर. थर्ड, ब्रेन में कफ सप्रेस हो जाती है, इसीलिए कफ सिरप्स में भी देते हैं. और जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन होता है, इसीलिए डायरिया के ट्रीटमेंट में भी देते हैं. ओके, डेथ होने का कारण क्या है? ब्रेन पे काम करेंगे, डेथ क्यों होगी? डेथ होने का कारण है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. डेथ होने का कारण क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ओके, नाउ ये ड्रग हाईली एडिक्टिव है. एडिक्शन होने का क्या कारण होगा? आदमी को बड़ा प्लेजर आएगा. प्लेजर का हमने नाम दे दिया यूफोरिया. इसकी वजह से क्या होता है? एडिक्शन. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से होती है डेथ. यूफोरिक फीलिंग की वजह से क्या होता है? एडिक्शन. आइस में क्या होता है? एक बच्चे ने कहीं लिखा भी है आंसर पहले. आइस में होता है मियोसिस. क्या हम मियोसिस को लिख सकते हैं बेटा? पिन पॉइंट प्यूपिल. क्या हम मियोसिस को लिख सकते हैं? पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा, है ना. ब्रेन में नॉजिया वॉमिटिंग. गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स. सर इनसे गॉल स्टोन्स इसलिए होते हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर के नेक पे स्फिंक्टर होता है जिससे बाइल बाहर निकलता है. उस स्फिंक्टर को ये बंद कर देते हैं. जब गॉल ब्लैडर का स्फिंक्टर बंद होता है तो पेन होता है. उस पेन को हम बोलते हैं बिलियरी कोलिक. और बाइल जब बाहर नहीं निकलता तो धीरे धीरे बाइल गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है एंड इट लीड्स टू गॉल स्टोन्स. सिमिलरली एब्डोमिनल कोलिक, एब्डोमिनल पेन. एंड इनसे प्रोलैक्टिन का रिलीज होता है. प्रोलैक्टिन रिलीज विल लीड टू इनफर्टिलिटी. ज्यादा मॉर्फिन लेने से इनफर्टिलिटी. यस. तो अगर मैं आप बच्चों से एक सवाल पूछूं, हम ओपियोइड्स को एज अ पेन किलर यूज करते हैं. यस, हमने कहा ना एनल्जीसिया. हम ओपियोइड्स को एज अ पेन किलर यूज करते हैं तो टेल मी, मॉर्फिन लाइक ड्रग्स और ओपियोइड, दे आर गिवन इन ऑल टाइप्स ऑफ पेन. इनको हम सभी पेन में यूज करते हैं. कौन से पेन में हम ओपियोइड को अवॉइड करते हैं? कौन से पेन में हमें ओपियोइड नहीं देना? कौन से पेन में? मैं मार्क कर रहा हूं, बताओ आंसर. विच पेन? कोलिकी पेन में हम ओपियोइड्स नहीं देते, बाकी सारे पेन में हम ओपियोइड देते हैं. ठीक है? यस, कोलिकी पेन. अब आता है कप्पा रिसेप्टर. कप्पा रिसेप्टर लिखेंगे, इट इज सेम लाइक म्यू. बट बेटा एक चीज अलग है. कौन सी चीज अलग करेंगे? मैं मार्क करता हूं, बताइए कौन सा इफेक्ट अलग हो जाएगा. ये इफेक्ट अलग हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ यूफोरिया, इनसे यूफोरिया प्रोड्यूस नहीं होता, कप्पा रिसेप्टर प्रोड्यूस डिसफोरिया. ये यूफोरिया की बजाय प्रोड्यूस करते हैं डिसफोरिया. डिस्फोरिया में क्या होता है आदमी को? साइकोसिस. तो रिमेंबर, कप्पा रिसेप्टर से एडिक्शन नहीं होती. एडिक्शन किससे होती है? म्यू रिसेप्टर से एडिक्शन होती है. कप्पा से एडिक्शन नहीं होती क्योंकि म्यू रिसेप्टर से यूफोरिया होता है. कप्पा से तो डिस्फोरिया या बैड फीलिंग आ रही है. जिससे बैड फीलिंग आएगी, क्या आप वो ड्रग लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे ना. तो रिमेंबर दिस पार्ट. डेल्टा रिसेप्टर, वेरी सिंपल,
डेल्टा रिसेप्टर से होती है कन्वल्जंस, ये बात हमें याद रखनी है। रेस्ट इज सेम लाइक म्यू, सेम लाइक म्यू। तो हमें क्या बात याद रखी, कप्पा से होता है एक अलग चीज डिस्फोरिया, डेल्टा रिसेप्टर से दौरे पड़ते हैं कन्वल्जंस होती है। तो पहले हम बात करते हैं ड्रग्स की, और ड्रग्स में बात करते हैं पहले वो ड्रग्स जो मॉर्फिन की तरह काम करते हैं, मॉर्फिन एंड कंजेनर्स। मॉर्फिन एंड कंजेनर्स, कैन यू टेल मी दे एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? दे आर म्यू एगोनिस्ट। ये कौन से रिसेप्टर पे काम करेंगे? म्यू रिसेप्टर पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड जो सभी रिसेप्टर्स पे काम करेंगे। सो कैन वी से मॉर्फिन इट इज अ फुल एगोनिस्ट चैट, म्यू रिसेप्टर। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम बाकी ड्रग्स मॉर्फिन से कंपेयर करते हैं कि वो अलग कैसे हैं। तो मॉर्फिन एक मेन प्रोटोटाइप या मेन ड्रग होता है। तो मॉर्फिन के यूज क्या होंगे बेटा, लिखेंगे ऑल ओपियोइड्स आर यूज्ड इन, ऑल ओपियोइड्स आर यूज्ड इन moderate to severe pain, तो as a pain killer हम इनको moderate to severe pain में देते हैं। mild pain के लिए हम NSAIDs दे देते हैं, paracetamol, aspirin, है ना। तो कोई moderate to severe painful condition जहां पे बहुत severe pain होता है, yes, cancer वाले patients में pain होता है, crush injuries में pain होता है, फ्रैक्चर्स में बहुत सिवियर पेन होता है ना, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, आदमी में सर्जरी वर्जरी कर दी तो जब वो जागेगा उसे बहुत पेन होगा, तो इन सब कंडीशंस में हम ओपियोइड्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज हम बात करते हैं मॉर्फिन का। मॉर्फिन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ MI, एंड मॉर्फिन इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ MI। तो सवाल आता है व्हाई मॉर्फिन इज गिवन इन MI, सवाल यही आएगा व्हाई मॉर्फिन इज गिवन इन MI। रीजन इज वेरी सिंपल। पहला रीजन है मॉर्फिन रिलीव्स पेन, पेन ठीक होता है, चेस्ट पेन ठीक होगा। बट सर वो तो सारे के सारे ओपियोइड कर देंगे, बट मॉर्फिन की एक खास बात है, मॉर्फिन एक पैरासिंपथेटिक या वेगस नर्व लाइक ड्रग है, जैसे जो वेगस नर्व है ना जैसे काम करती है, मॉर्फिन भी ऐसे ही है। मॉर्फिन से पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है जिससे हार्ट रेट कम होता है। मॉर्फिन रिड्यूसेस हार्ट रेट, हार्ट रेट कम होने की वजह से हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो डोंट यू थिंक ये MI वाले पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। MI होता ही इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रहा है ना, तो इट हैज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, सो दैट इज व्हाई मॉर्फिन इज गिवन इन MI। अब यहीं पे एक फॉलो अप सवाल, विच ओपियोइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन MI? द ओपियोइड्स विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन MI, 2P वाले, ये हम MI में नहीं देते। पहला एथिडीन, दूसरा पेंटाजोसीन। Why? Because these two opioids they increase heart rate. इनसे heart rate बढ़ता है। तो क्या आप बताइए MI वाले patient में अच्छी बात है? अच्छी बात है? नहीं है ना? So that is why. So that is why we don't give morphine. We give morphine in MI. Pethidine and pentazocine are not given in MI. So let's talk about congeners of morphine. कंजेनर्स ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के भाई और बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मॉर्फिन। तो पहला ड्रग है बेटा कोडीन। कोडीन बॉडी में जाके मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है, बाय विच एंजाइम? डी से। यहां पे सी वर्ड आ रहा है CYP, डी से CYP2D6, सी और डी वर्ड याद रखना है। तो मॉर्फिन गेट्स कन्वर्टेड इंटू, कोडीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉर्फिन बाय CYP2D6 एंजाइम। तो कोडीन को हम कहां यूज करते हैं? एज अ कफ सप्रेसेंट, कफ सिरप में यूज करते हैं खांसी को रोकने के लिए। ओके,
नाउ डाईएसिटाइल मॉर्फीन, इसका दूसरा नाम है हीरोइन, इट इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट एज कंपेयर टू मॉर्फीन। मतलब ज्यादा पोटेंट होने का मतलब कम डोज देनी पड़ेगी। तो डोंट यू थिंक, अगर मान के चलो आप पिछले जन्म में स्मगलर थे, मैं जस्ट जोक कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप कभी बन भी नहीं सकते, पर अगर आप पिछले जन्म में स्मगलर थे, फिल्मों में थे चलो, तो आप मॉर्फीन को स्मगल करना चाहोगे कि हीरोइन को स्मगल करना चाहोगे? मॉर्फीन तो बहुत ज्यादा लेके जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डोज में इफेक्ट आएगा। हीरोइन से तो 10 times मोर पोटेंट है, इससे तो कम डोज में ज्यादा मजा आएगा आदमी को। तो स्मगलर्स किसको करते हैं? हीरोइन, है ना? यस, है ना, बिल्कुल। अच्छा, हजारिका जी भी मजे ले रहे हैं यार, पढ़ाई मजे करके ही करनी चाहिए। अगर ऐसे चोरी करके करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, अब आप कभी नहीं भूलोगे हीरोइन को स्मगल करना है। इसीलिए हीरोइन को स्मगलर्स किस नाम से बुलाते हैं? यार अब स्मगलर है वो ये थोड़ी ना बोलेगा हर बार कि मैं डाईएसिटाइल मॉर्फीन बेच रहा हूं, वो तो बेचारा थक जाएगा। जब तक वो लोगों को समझाएगा उसके कस्टमर छूट जाएंगे। तो इसीलिए हीरोइन को बहुत ही कॉमनली लोग बोलते हैं स्मैक, ये इसके कॉमन या स्ट्रीट नेम है, गलियों में बोलने वाले नाम। स्मैक, ब्राउन शुगर, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में चिट्टा, चिट्टा वर्ड सुना, मूवी भी आई थी, है ना, ब्राउन शुगर। तो बहुत सारे नाम हैं जो स्मगलर देते हैं। अब बात करते हैं फेंटानिल की। फेंटानिल तो और बढ़िया है सर, 100 times मोर पोटेंट। सर सू फेंटानिल 1000 times मोर पोटेंट। अब बात यह है, फेंटानिल और सू फेंटानिल इजिली स्मगलर के हाथ में नहीं आता, क्योंकि ये नेचुरल ड्रग नहीं है, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और फैक्ट्रीज में गवर्नमेंट इनको ध्यान रखती है कितना बन रहा है, कितना बिक रहा है। तो जो ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, इन पे सरकार ध्यान रखती है। तो क्या हम कह सकते हैं जो ड्रग एडिक्टिव होते हैं उनको हम नार्कोटिक्स बोलते हैं, और सारे के सारे ओपियोइड्स नार्कोटिक्स हैं। नार्कोटिक ड्रग्स के साथ हमें एक लॉ फॉलो करना होता है, लॉ का नाम होता है शेड्यूल, शेड्यूल एक्स ड्रग। तो ओपियोइड्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, कौन से लॉ के अंडर आते हैं? शेड्यूल एक्स ड्रग। इनकी सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज पे सरकार नजर रखती है, है ना, वेरी गुड। अब बात करते हैं रेमीफेंटानिल, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड, सबसे कम देर के लिए कौन सा काम करता है? रेमीफेंटानिल। और लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? मिथाडोन। मिथाडोन के साथ लिखेंगे लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट ओपियोइड। और अगर मैं पूछूं आपसे मोस्ट पोटेंट कौन सा है? सूफेंटानिल। सूफेंटानिल इज मोस्ट पोटेंट, ओके, मोस्ट पोटेंट। अब पहले बात करते हैं रेमीफेंटानिल की। सर रेमीफेंटानिल इतना शॉर्ट एक्टिंग क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप रेमीफेंटानिल को देते हो, इंजेक्शन लगाते हो, हमारे ब्लड में एक एंजाइम घूम रहा है, हमारे प्लाज्मा में एक एंजाइम घूम रहा है, प्लाज्मा एस्टरेस, कोई बात नहीं, हमारे प्लाज्मा में एक एंजाइम घूम रहा है, दैट इज प्लाज्मा एस्टरेस। ये प्लाज्मा एस्टरेस क्या करेगा? फटाफट फटाफट रेमीफेंटानिल को मेटाबोलाइज या डीग्रेड कर देगा। तो ये ब्लड में ही फटाफट डीग्रेड हो जाता है, ब्रेन में पहुंच ही नहीं पाता। कोई बात नहीं बेटा, हम बाद में एडिट जो है वीडियो की ठीक करके डाल देंगे, कोशिश करेंगे अगर ठीक हो जाती है तो, ठीक है। इन द बिटवीन सेशन आई कांट डू, आई एम नॉट अ टेक पर्सन, मुझे ना बहुत कम आता है यार कंप्यूटर, हम भाई पुरानी वाली जनरेशन है यार, 80s-90s वाली, है ना, हमारे हम जब पैदा हुए थे तब तो टीवी भी नहीं होता था, है ना, तो हमें तो कंप्यूटर बड़ा कम आता है इस्तेमाल करना। और दूसरी बात, अभी लेक्चर चल रहा है, बीच में करेंगे तो टाइम लग जाएगा, डोंट वरी, ये सब चीज़ें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है, हमने ऐसे ही, मैंने ऐसे ही पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। अब सेकंड सवाल बेटा आपसे पूछना चाहता हूं, सर मिथाडोन बड़ा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, तो एक बात बताओ, जब आप मिथाडोन दोगे किसी आदमी को
क्या उसे बार बार खाने की जरूरत है? नहीं है ना। तो मुझे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम मीथेडॉन देंगे तो मीथेडॉन का तो बड़ा लंबे समय तक इफेक्ट आएगा, बड़े लंबे समय तक मीथेडॉन का इफेक्ट आता रहेगा। तो मुझे बताइए क्या आदमी विड्रॉवल में जाएगा इजीली? अगर मीथेडॉन आदमी खाएगा तो क्या आदमी सडनली विड्रॉवल में जाएगा? टेल मी, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ओपियोइड, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ओपियोइड मीथेडॉन इट इज गिवन फॉर टू प्रिवेंट ओपियोइड विड्रॉवल। तो इसे ओपियोइड के डी एडिक्शन में यूज किया जाता है। और एक बात हमें मीथेडॉन के साथ और याद रखनी है, मीथेडॉन का साइड इफेक्ट, मीथेडॉन का एक साइड इफेक्ट होता है बेटा, इस साल दोबारा आ गया ये सवाल INICT में, दो हफ्ते पहले दोबारा आ गया था, अभी दो हफ्ते पहले ना एम्स और PGI का एग्जाम हुआ था MD का, उसमें आ गया था, कौन सा ओपियोइड QT इंटरवल को बढ़ाता है? आंसर है मीथेडॉन। और इसका रीजन क्या था, हमने रिकॉर्डेड लेक्चर में भी पढ़ा था, ये कुछ NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता था जिससे हार्ट पे QT प्रोलोंगेशन हो जाता था। पेथिडीन, पेथिडीन के साथ बेटा हमें 3P याद रखेंगे, पेथिडीन के साथ 3P। पहला P लीस्ट पोटेंट, पोटेंसी क्या है, लीस्ट। दूसरा P ये प्लेसेंटा को सबसे कम क्रॉस करता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस है। विच ओपियोइड शुड बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी, पेथिडीन। ठीक है, लास्टली पेथिडीन का एक यूज, पेथिडीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एनेस्थेटिक शिवरिंग। एनेस्थीजिया देने के बाद जब आदमी होश में आता है उसे बहुत ठंड लगती है क्योंकि सडनली ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, टेम्परेचर सेंटर, ठंड लगती है ना, तो पोस्ट एनेस्थेटिक शिवरिंग में हम देते हैं पेथिडीन। ये ब्रेन को कहता है भाई ठीक हो जा, अपने टेम्परेचर सेंटर ठीक कर ले। ठीक है, तो इट एक्ट्स ऑन टेम्परेचर सेंटर्स, मेक देम प्रॉपर। हजारिका जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको सैलरी नहीं यार, हम छोटे आदमी। हजारिका जी ऐसे बात मत करो, मिलके वैसे ही काम कर लेंगे, आप बहुत बड़े लोग हो यार, सैलरी वैलरी की बातें मत किया करो यार। अब बात करते हैं ट्रामाडोल, ट्रामाडोल पे भी बेटा सवाल आया था। ट्रामाडोल म्यू एगोनिस्ट तो है, प्लस इट हैज SNRI लाइक एक्टिविटी, SNRI इज सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रीन री अपटेक इनहिबिटर। मतलब ये सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रीन का री अपटेक इनहिबिट करेगा, री अपटेक इनहिबिट हो जाएगा तो सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रीन नर्व्स के बाहर ही रहेगा, सो इनका लेवल बढ़ जाता है, तो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। तो बेटा पहले बताइए मॉर्फिन और उसके कंजेनर सबको समझ आ गए, क्या हम ये बातें एग्जाम में लिख सकते हैं इसी टेबल को, इसी स्लाइड को देख के? अच्छे से एग्जाम में हमने ये सब बातें लिख दी, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड की। हमने बात करी थी बेटा मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड किस किस पे काम करते थे, क्या सिर्फ म्यू पे काम करते थे? नो, मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड दे एक्ट ऑन म्यू कप्पा डेल्टा इन वेरियस फैशन, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, म्यू कप्पा डेल्टा पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब क्या अलग अलग तरीके हैं, पहला तरीका पढ़ते हैं। पहला तरीका देखो बेटा क्या लिखा हमने, पार्शियल कप्पा एगोनिस्ट, कप्पा को स्टिमुलेट कर रहे हैं थोड़ा सा बट म्यू को ब्लॉक कर रहे हैं। ड्रग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक में कभी पैसे नहीं डालने, हमें पता है ना क्या हो जाता है, कोई आपके पैसे चुरा के लंदन में जाके ब्रिटेन में जाके सेटल हो जाता है, उसके नाम की लोग दारू तो यहीं पीते हैं, है ना। कौन किस आदमी की बात कर रहा हूँ वो आप अपने मन में रखेंगे, बिकॉज हमें बात करनी है ड्रग के नाम की। तो पंजाब नेशनल बैंक, पी फॉर पेंटाजोसिन, नेलोरफिन, सॉरी नेलब्यूफीन,
ये बेटा इसमें अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओगे कोई बात नहीं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे नाम याद रखे। ब्यूटारफेनॉल, इसमें बेटा सिर्फ एक नाम थ्योरी के लिए आपने याद रखना है, पेंटाजोसिन। अब मेरा आप बच्चों से एक सवाल, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा Why these drugs have a side effect of dysphoria? क्या रीजन है इन ड्रग्स से डिस्फोरिया या साइकोसिस क्यों होता है? Which student will tell me the reason for this? Why pentazocine causes dysphoria? Which student will tell? Why pentazocine causes dysphoria? बताइए क्या प्रॉपर्टी है, आपके सामने आंसर लिखा है, देख के बताओ फटाफट। बिकॉज कौन सा रिसेप्टर साइकोसिस करता था? यस सत्यजीत जी बिल्कुल ठीक, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन पार्शियल कप्पा एगोनिस्ट, तो एक कप्पा एगोनिस्ट था इसीलिए ये डिस्फोरिया करता है। सेकंड सवाल, इसका आंसर देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। सेकंड सवाल है बेटा, व्हाई दीज ड्रग्स, टेल मी व्हाई दीज ड्रग्स दे प्रेसिपिटेट मॉर्फीन विड्रॉवल सिम्टम। अगर एक आदमी लेट्स से मॉर्फीन ले रहा है तो उसको विड्रॉवल सिम्टम इंक्रीज हो जाएंगे, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ऐसा क्यों? एक आदमी क्रॉनिक ओपियोइड एडिक्ट है, ओपियोइड एडिक्शन में हमें ये तीन ड्रग कभी भी नहीं देने, सो दे आर नेवर गिवन इन ओपियोइड एडिक्शन, क्योंकि इनसे विड्रॉवल इंक्रीज हो जाता है। रीजन बताओ। नो बेटा नो, हजारिका जी नहीं, और सोचो हजारिका जी, सर ये बताओ विड्रॉवल सिम्टम कब प्रेसिपिटेट होते हैं? जब उस ड्रग का एक्शन खत्म हो जाता है। मुझे बताइए मॉर्फिन कौन से रिसेप्टर पे काम करता था? म्यू पे। सर अगर आप म्यू रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दोगे तो जो आदमी मॉर्फिन लेता होगा उसका इफेक्ट सडनली खत्म होने की वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा? विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाएंगे, पेशेंट को विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाएंगे। यस सत्यजीत जी बिल्कुल सही, खोटा जी बात समझ आ गई, खोटा सिंह जी, क्योंकि म्यू रिसेप्टर को आपने सडनली ब्लॉक कर दिया, पेशेंट विड्रॉवल में चला जाएगा। सो ये सवाल आपको अच्छे से आने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड। सर ये वाला पार्ट हटा देते हैं, इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, क्या बन गया? प्योर कप्पा एगोनिस्ट। प्योर कप्पा एगोनिस्ट में लिखोगे बेटा एलुक्सा डोलीन एसीमा, ये नहीं याद रहेगा चलेगा, पर ये नए ड्रग्स आए हैं, पीडो टोजीन नहीं याद रहेगा चलेगा, नए ड्रग्स हैं, सिंपली वैसे लिख रहे हैं, याद हो सकता है कर लीजिएगा, नहीं याद होता कोई बात नहीं। नाउ मुझे बताइए ओपियोइड से डायरिया होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है? हम जानते हैं ओपियोइड से कॉन्स्टिपेशन होता है। सो दीज ड्रग्स आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ये डायरिया के ट्रीटमेंट में देते हैं, एक स्पेशल बीमारी आईबीएस इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल बावल सिंड्रोम आईबीएस, जिसमें पेट आदमी का खराब रहता है बिना किसी बात के, क्योंकि जैसे आजकल हमारा मूड खराब रहता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, इसीलिए हमारा पेट भी खराब रहने लग गया, तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो एक लाइफस्टाइल डिजीज है इसमें हमें डायरिया होते रहते हैं, वी कैन गिव दिस ड्रग्स। ठीक है डन। अब बेटा क्या करते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, पार्शियल म्यू एगोनिस्ट बना देंगे और कप्पा एंटागोनिस्ट बना देंगे। थर्ड में क्या किया, इनको ऑपोजिट कर दिया हमने। तो देखो बेटा पहले क्या था, पार्शियल कप्पा एगोनिस्ट म्यू एंटागोनिस्ट, अब क्या बना दिया हमने, पार्शियल म्यू एगोनिस्ट एंड कप्पा एंटागोनिस्ट, उल्टा हो गया। ड्रग के नाम लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग ब्यूप्रीनॉर्फिन, और भी ड्रग्स हैं
याद एक ही करना है, ब्यूप्रीनॉर्फीन, हमें एक ही याद रखना है, ठीक है। अब मुझे बताइए, पहले वाले ड्रग हम बिल्कुल भी नहीं देते थे, ओपियोइड के सिम्टम्स, मॉर्फिन के विड्रॉवल सिम्टम प्रेसिपिटेट हो जाते थे। ब्यूप्रीनॉर्फीन इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टू प्रिवेंट ओपियोइड विड्रॉवल, इसको यूज किया जाता है कौन से ड्रग की तरह, कौन से ड्रग की तरह, लाइक मीथेडॉन। अभी हमने एक मीथेडॉन पढ़ा था, मीथेडॉन की तरह ही हम यूज करते हैं ब्यूप्रीनॉर्फीन टू प्रिवेंट ओपियोइड विड्रॉवल। व्हाई, कैन यू टेल मी, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा इसको मॉर्फिन के विड्रॉवल को प्रिवेंट करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ब्यूप्रीनॉर्फीन की दैट यू यूज टू प्रिवेंट ओपियोइड विड्रॉवल। आंसर आपके सामने है, देख के बताइए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ब्यूप्रीनॉर्फीन को दिया जाता है टू प्रिवेंट ओपियोइड विड्रॉवल। टेल मी आंसर, द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या ये म्यू रिसेप्टर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये पूरी तरीके से काम कर रहा है? नहीं कर रहा। ये पार्शियल ड्रग है, ना तो प्लेजर आएगा ना ही विड्रॉवल में जाएगा आदमी, मेंटेनेंस में हम देते हैं या तो ब्यूप्रीनॉर्फिन या मीथेडॉन, ठीक है। यस बर्नक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर इसमें पार्शियल वर्ड भी हमें याद रखना है। पार्शियल होने की वजह से इंटेंस प्लेजर नहीं आएगा, और क्योंकि पार्शियल है आदमी विड्रॉवल में भी नहीं जाएगा, ना तो प्लेजर आएगा ना ही विड्रॉवल में आएगा, है ना, हमने अभी पढ़ा विड्रॉवल और प्लेजर की साइकिल को तोड़ना होता है। तो ये तो कुछ मीडियम एक्टिंग ड्रग है, ब्यूप्रीनॉर्फिन तो मीडियम एक्टिव ड्रग है, ना तो प्लेजर होता है ना विड्रॉवल, आदमी धीरे धीरे फिर हमें से टेपर करके बंद कर देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट का मतलब ये तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, म्यू को भी ब्लॉक करेंगे, कप्पा को भी ब्लॉक करेंगे, डेल्टा को भी ब्लॉक करेंगे, दे ऑल आर कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। तीन ड्रग के नाम लिखते हैं बेटा, एन से ही है, आपने सबने इनका नाम सुना होगा। पहला ड्रग नैलोक्सोन, दूसरा नैलट्रिक्सोन, तीसरा नैलमिफीन, तीसरा नैलमिफीन। तीनों के शुरुआत में नैल वर्ड आ रहा है, आपने कौन से ड्रग से कंफ्यूज नहीं करना, आपने इसको नैलब्यूफीन से कंफ्यूज नहीं करना। बेटा नैलब्यूफीन अलग है, नैलोक्सोन, नैलट्रिक्सोन, नैलमिफीन अलग है। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। नैलोक्सोन बेटा एक आईवी ड्रग है, ये ओरल नहीं दिया जाता। नैलट्रिक्सोन एक ओरल ड्रग है। अब आप बच्चों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक आदमी ओपियोइड की पॉइजनिंग से आ गया, उसने बहुत ज्यादा ओपियोइड ले लिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला गया, मरने वाला है, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड पॉइजनिंग, नैलोक्सोन के नैलट्रिक्सोन, व्हाट इज योर आंसर। किसी भी पॉइजनिंग में कैसा ड्रग दोगे, आईवी ड्रग दोगे, ओरल ड्रग दोगे पॉइजनिंग में, तो मॉर्फिन की एंटीडोट क्या है, ओपियोइड्स की एंटीडोट क्या है, नैलोक्सोन है कि नैलट्रिक्सोन है, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। तो पॉइजनिंग में बेटा हम देते हैं, वेरी गुड, शाबाश सत्यजीत जी, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस एज एन एंटीडोट फॉर ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड के बजाय कोई भी ओपियोइड का नाम दिया जा सकता है आपको, आपको मॉर्फिन दिया जा सकता है, कोडीन दिया जा सकता है, फेंटानिल दिया जा सकता है, तो इट इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड पॉइजनिंग, ठीक है ना बेटा। नैलट्रिक्सोन, याद करो हमने अल्कोहल में कहां पढ़ा था नैलट्रिक्सोन,
Naltrexone, it is the drug of choice to prevent relapse. Yaad aa raha hai? To prevent relapse in cases of alcohol. Anti-craving drug padha tha humne, naltrexone, LT-craving and opioids. ताकि आदमी दोबारा पीना शुरू ना कर दे अल्कोहल और ओपियोइड. वी हैव टू प्रिवेंट रिलैप्स, वी गिव एन ओरल ड्रग इन दिस केस. बट सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये जो हमारा नैलट्रिक्सॉन है ये हेपेटोटॉक्सिक है, इससे लिवर डैमेज होता है. तो हमें क्या ड्रग बनाने की जरूरत पड़ी? हमें एक ड्रग बनाने की जरूरत पड़ी नैलमिफीन. नैलमिफीन इज एन ओरल ड्रग विच हैज सेम यूज लाइक नैलट्रिक्सॉन. बट व्हाट इज द एडवांटेज? नैलमिफीन इज लिवर सेफ, ये हेपेटोटॉक्सिक नहीं है. तो क्या हम ये तीन ड्रग याद कर सकते हैं? डन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही. तो हमने तीन टॉपिक्स जो आपके थ्योरी में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, हमने उनको पढ़ा, समझा, रिवाइज किया. आप पहले भी पढ़ रहे हैं मैं जानता हूं, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे. दिस फर्रे सीरीज इज ऑल अबाउट रिविजन, ताकि हमें फटाफट चीजें दोबारा दोबारा रिवाइज हो जाए. सो दिस इज ऑल. ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कल आई थिंक हमारा मैच है. आपको क्या लगता है? हिप्नोटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन, ठीक है, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास. हिप्नोटिक ड्रग्स वही है बारबिट्यूरेट बेंजोडाइजपीन्स जो गाबा पे काम करते हैं, अल्कोहल्स, है ना, बस ये दो तीन ही है और कोई नहीं है. बारबिट्यूरेट बेंजोडाइजपीन्स ही है, इसके अलावा एनेस्थीजिया वाले ड्रग है. यस, मैच विल बी चैलेंजिंग, बट चैलेंजिंग नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा ना देखने में. बट इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन, इंडिया फाइनल में और मैच इंडिया में हो रहा है. सब कृपा है हमारे BCCI की, अच्छे से इंडिया परफॉर्म कर रही है एंड आई होप इंडिया कल जीतेगी. तो आज के लिए इतना ही. Enjoy your day. Enjoy the match tomorrow. Yes. High scoring रहेगा थोड़ा. Pitches flat है ना? India में batsman की pitches flat है ना? Yep. Absolutely. But it will be a thrill to watch and India is performing really well. India is performing this. Yes. Bardhan जी, बात वही है. अगर आप इतनी अच्छी टीम है तो आपको प्रेशर झेलना भी आना चाहिए. सिमिलरली अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो आपको प्रेशर झेलना आना चाहिए, क्योंकि प्रेशर ही आपको बढ़िया बनाता है ना. इजी गेम है ना प्रेशर, मजा ही प्रेशर में है यार. दैट विल बी अ थ्रिल टू वॉच, बट आई बिलीव जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, वेदर इट इज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. बट हमारा तो दिल है हिंदुस्तानी, हम तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे. तो आई होप, लेट्स सी कल क्या होता है. तो बेस्ट विशेस, बीच बीच में पढ़ते भी रहना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, मैच भी देखो, बीच बीच में पढ़ते रहो. ऐसी स्टोरीज बना के पढ़ो जैसे आज हमने पढ़ा है. स्टोरीज बना के पढ़ोगे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे. ठीक है, सिनेरियोस क्रिएट करिए माइंड में, सोचिए, किताब बंद करने के बाद माइंड में सोचिए, असली रिविजन वहां होती है और वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में. ओके, चलिए फिर मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल बेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टा ग्रुप्स, PW मेडेड ऐप पे, सब पे नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल लिखा हुआ है. तो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन ऐप ऑल्सो. चलिए, गुड बाय, सी यू, एंजॉय योर डे एंड कीप रीडिंग.